पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में एक मैच के दौरान दिया ऑटोग्राफ का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खास ये है कि रिजवान फैन की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के पोस्टर पर ऑटोग्राफ देते नजर आ रहे हैं, जिस पर लिखा है रिलीज इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अदालत की अवमानना और दंगा करने के गंभीर आरोपों का सामना करते हुए पिछले साल अगस्त से जेल में बंद हैं। उन पर 9 मई को हिंसा का आरोप लगाया गया था और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में उन्हें 3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। जेल में बंद होने के बाद से पाकिस्तान की जनता द्वारा इमरान खान को रिहा करने की मांग की जा रही है। आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच T20 मैच के दौरान एक फैन ने पोस्टर लिया था, जिस पर लिखा था इमरान खान को रिहा करो। इस पर बाउंड्री लाइन के पास फील्डिंग कर रहे मोहम्मद रिजवान ने फैन की रिक्वेस्ट पर पोस्टर पर ऑटोग्राफ दे दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सत्ता पक्ष का पूरी तरह से दखल है। पीसीबी के मौजूदा प्रेसिडेंट सैयद मोहसिन रजा नकवी हैं, जो शहबाज कैबिनेट में आंतरिक मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने अपने सिर आफत मोल ले ली है। इमरान खान 1992 विश्व कप विजेता कप्तान हैं। उन्हें 2022 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद इस साल जनवरी में उन्हें सजा सुनाई गई थी। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो उन्होंने शानदार बैटिंग करते हुए 2 हाफ सेंचुरीज लगाई। दूसरे मुकाबले में उन्होंने नॉट आउट 75 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई, जबकि तीसरे मैच में 56 रन की शानदार पारी खेली।